अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक बार फिर राबिया आंटी हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने हर्फ बे का तारुफ की दोहराई। ठीक है, ये कौन सा हर्फ है? ये है हर्फ बे। ये कौन सा हर्फ है? ये है हर्फ बे। और बे की आवाज़ है ब। बे की क्या आवाज़ है? बे की आवाज़ है बा। बा से बल्ला, बा से बिस्तर, ब बिस्तर, बे बिस्तर, और बे की आवाज़ है ब। ब बिस्तर, ब बिल्ली, ब बिल्ली, बे से बिल्ली, बे से बस्ता, बस्ता, बे से बस्ता, और बे से बस, बे से बस, बे से बल्ला, बे से बल्ला, मेरे साथ पढ़िए, बे से बल्ला, बे से बिस्तर, बे से बिस्तर, बे से बिल्ली, बे से बिल्ली, बे से बस्ता, बे से बस्ता, बे से बस, बे से बस, बे हर्फ बे। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। हर्फ बे, ये कौन सा हर्फ है? ये है हर्फ बे। आइए अब आपको मैं इसकी लिखाई सिखाती हूँ। तो क्या आप सब तैयार हैं? आइए मैं आपको अपनी किताब दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है आपकी उर्दू की किताब। अब हम इसमें लिखाई करेंगे सफ़ा नंबर 4 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका सफ़ा नंबर 4। इस पे क्या बना हुआ है? बे। बे से बिल्ली। ये क्या है? बे, हर्फ बे, बे से बिल्ली। जी मेरे प्यारे बच्चों, ये है हर्फ बे। ये कौन सा हर्फ है? हुरूफ़ तहज्जी का दूसरा हर्फ। ये हमारी हुरूफ़ तहज्जी लिखी हुई है, इसमें से आप देख सकते हैं हम अलिफ पढ़ चुके हैं। अब ये है हमारा दूसरा हर्फ बे, इसलिए इसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है। आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि हर्फ बे को कैसे लिखते हैं। ये देखिए, ये लाल निशान नुक्ता हमें बताता है हमने हर्फ बे लिखना शुरू कैसे करना है। तो आइए लिखिए, दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। ये देखिए, दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। दाएं से बाएं कश्ती बनाओ, उसके नीचे एक नुक्ता लगाओ। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी राइटिंग हो गई। हमने क्या किया है? हमने बे हर्फ बे की लिखाई की है। उसके बाद हम हर्फ बे से बिल्ली में हम इस पर कलर करेंगे, रंग भरेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका काम है हर्फ बे की लिखाई और उसकी दी हुई तस्वीर में रंग भरना। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हर्फ बे को कैसे लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।